नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ने 177 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें रीवा विधानसभा की 8 की 8 सीटों पर उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए थे। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। कांग्रेस ने रीवा की 8 विधानसभा में मनगवा छोड़ के बाकी सारी जगह पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, रीवा से जैसे कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, अभय मिश्रा, जी हां, सेमरिया से पूर्व विधायक, उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक थी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा को रीवा से टिकट दी गई है। अगर बात की जाए सेमरिया की, तो सेमरिया में त्रुगी नारायण, पिछला चुनाव भी वो कांग्रेस से वहां पर लड़े थे, बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे थे। त्रुगी नारायण को कांग्रेस पार्टी ने सेमरिया से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं अगर बात करूं सिरमौर विधानसभा की, तो सिरमौर विधानसभा में यहां पर कद्दावर नेता हुआ करते थे श्रीनिवास तिवारी की पौत्रवधु, कहा जा सकता है पूर्व प्रत्याशी, पिछला चुनाव लड़े डॉक्टर विवेक तिवारी, बबला की वाइफ अरुणा तिवारी को सिरमौर से प्रत्याशी बनाया गया है। अगर बात की जाए त्योतर विधानसभा की, त्योतर विधानसभा में पिछली बार चुनाव लड़े रमाशंकर सिंह पर कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। मऊवन में विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को टिकट दी गई है। वहीं गुड़ से सुंदरलाल तिवारी को टिकट दिया गया है। एक सबसे चौंकाने वाला नाम है, वह है देवतालाब। जी हाँ, अगर देवतालाब की बात की जाए तो देवतालाब में कांग्रेस अपना प्रत्याशी ढूंढ रही थी, वहां पर उसको कोई मजबूत प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा था। देवतालाब में बहुजन समाज पार्टी से विद्यावती पटेल ने टिकट मांगा था। वो गुड़ से और गुड़ से पूर्व विधायक भी थी, उनको ने विद्यावती पटेल ने जब बीएसपी से टिकट मांगा, उनको वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। कांग्रेस ने उनको अपने पाले में लाते हुए देवतालाब से उनको प्रत्याशी बनाया है। इस तरीके से कहा जा सकता है बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, भाजपा सब ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। चुनावी बिसात बीत चुकी है, कल से नामांकन प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी, चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। हम इस खबरों पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, इस खबरों पर आगे भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। रीवा दर्शन देखते रहिए, आगे की खबरें जानने के लिए।